साल 2019, 2020, 2021 और कुछ कुछ 2022 तक भी कोरोना पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो बिल्कुल समग्र विश्व देख रहा था कोरोना की मौत का तांडव। तो फिर पिछले एपिसोड में बाबा ने आपको बताए थे खाली कोरोना ही नहीं, कोरोना के जैसा और भी 20 से 25 महामारी वो भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह था कि एक और महामारी का नाम बाबा जी ने बताए थे, उसका नाम था मर्कट कर्कट। तो हम बात कर रहे हैं महापुरुषों के द्वारा लिखी गई पवित्र मालिका ग्रंथ में जो लिखा गया है जगन्नाथ महाप्रभु जी के 256 भक्त, 256 भक्त में से एक भक्त आपके सन्मुख है बाबुली बाबा जी। बाबा जी आपका स्वागत करते हैं। गुरु बाबा जी स्वागत। तो बाबा जी, हमारा भक्त ये जानना चाहते हैं कि आपने जो पिछले एपिसोड में खुलासा किए थे एक नया महामारी आ रहा है, उसका नाम है मर्कट कर्कट, कब आएगा, आपका ये कहाँ से पता चला और ये कितना जानलेवा हो सकता है, उसका कुछ निदान है या नहीं, पूरा विस्तृत भाव से विस्तार से हमारे भक्तों का बताइए। देखिए सत्यमंद जी बाबू जी, जी जी, मेरे गुरुदेव की पाद पद्म में मैं अनंत कोटि स्वर्ण माँ जोगमाया की पास में, अनंत कोटि स्वर्ण भगवान शंकर की पास में अनंत कोटि स्वर्ण। जुने आपने पहले जो एपिसोड में आया था मर्कटी कर्कट का बात में बारे में हम बात किया था, उसी जो रोग है पूरा हिंदुस्तान वो वीडियो देख रहा था, समग्र हिंदुस्तान से विभिन्न प्रदेशों से भक्त ये जानना चाह रहे थे कि बाबा जी से बस एक निवेदन है, आप पूछिए उनसे कि ये महामारी कब आएगा और इसका कुछ निदान है या नहीं। महामारी आएगा 2024 से 2027 तक, महामारी आ जाएगा 2024 से 2027 मस्ट। तो महापुरुष संघ द्वारा लिखी गई जो लिखा है 18 में वो उसका गुप्त में लिखा है, जो गुप्त वाक्य ने भगवान शंकर ने हमको प्रकाश किया था। जी 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 जी, भगवान शंकर जो चंद्रशेखर कपिलास में है वो मेरे इष्टदेव है, उन्हें प्रकाश किया था कि बेटा समाज में जब आएगा विगलित का समय आएगा, मृक्ष का संहार का समय आएगा, दैवी दुर्विपाक रहेगा, तभी एक विशाल महामारी आएगा, बहुत बड़ा खतरनाक। कोरोना से उसका नाम कर्कट है, उसका नाम मर्कटी कर्कट है, मर्कटी कर्कट। मैं क्वेश्चन किया था और सवाल भी किए थे आपने, प्रभु जी के साथ पूछा था, निवेदन किया था, माँ प्रभु जी वो ना मैंने अच्युत को बताई दिया है, माता जी ने बताया वो ब्रह्मांड भूगोल में है, उसका ठार में है, गुप्त में है, उसको कोई नहीं पाया, सांकेतिक भाषा में लिखा है जी। बट आएगा जब वो डिजीज आएगा तभी रोगी जो पेशेंट है वो इतना पीड़ित हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर वायरस से इतना बढ़ जाएगा, तो वो उसका जो शक्ल है ना वो परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन मतलब कैसे, किस टाइप का, काला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, कोई किसी को आंखी को देखा नहीं जाएगा, कोई भी चल नहीं सकेगा, कोई यंत्रणा जोर होगा, कोई हम तो वो डिजीज को जानता नहीं है ना, प्रभु जी का वाक्य को जो हम अंदाज कर रही हो उसी का बात में हम बोल रहे हो। अच्छा, वो जब भयंकर होगा, क्या भयंकर होगा, बड़ी कोई वायरस होगा, कोई फीवर आ जाएगा, कोई दिखा नहीं जाएगा, मुख नहीं खोलेगा, कान को नहीं सुनेगा, तो वायरस में इतना पांच इंद्रिय जो है वो काम करना बंद कर देगा। अच्छा। बंद कर देने से बाद उसका जो शक्ल है, नेचुरल शक्ल है, वो वायरस से इतना पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित करेगा, उसका शक्ल फूल जाएगा, बढ़ जाएगा, देखा नहीं जाएगा। एक बात बस मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपने ये जो टाइमलाइन आपने बताया है, क्योंकि हमारे दर्शक जो है बार बार ये पूछ रहे हैं कि बाबा जी से ये पूछे कब आएगा, कब होगा, आपने टाइमलाइन बता दिए। आप जैसे मतलब हमेशा बाबा जी से ही जानना चाह रहे थे कि ये कब आएगा, तो बाबा जी ने आपको बता दिए 2024 से 2027 के अंदर ही आएगा। तो ये है कि अभी चल रहा है 2023, आगे आने वाला जो साल है 2024, तो भविष्य मालिका में ये भी लिखा गया है, तो 24 से 27 मीन और शनि का जोक में बिल्कुल हर कुछ हो जाएगा, हमको भी कुछ पता नहीं है इतना कुछ हो जाएगा। ईश्वर कोई किसी का मजबूर नहीं है, वो जो दुनिया के मालिक है
वो किसी को आंसर देने के लिए वो भर्जमान नहीं है, उसका मर्जी है। जब वो ठीक देखेगा ठीक देखेगा, ठीक नहीं देखेगा तो भूल देखेगा, तो वो काम कर देगा। क्योंकि हमने इधर गेस्ट है ढाई दिन के लिए, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, आप तो भुवनेश्वर में रहते हैं, वही काम धर्म काम करते हैं, छोटा रूम लिया है हम सुना है, कोई एसी भी नहीं लगा है। आप जिसका रूम लिया है वो आपका घर का मालिक है, उनको आप किराया देते हैं, बट आप आपने वो रूम को बहुत कुछ सजाया है, मैंने आर्टिकल से आप सजाया, आपका स्वभाव है कोई सुंदर रहने से होगा, मगर सत्य बाबू आप एक 10,000 चीज लाए के रात को सजाया। अच्छा, जे हर दिन हम उसको देखेगा अच्छा लगता है, मगर आप 7 बजे मार्केट से लेके आया, 9:30 बजे मालिक ने आपको ऑर्डर दिया घर छोड़ो, घर छोड़ो, कल सुबह आप घर खाली करो, तो आप क्या करेंगे? छोड़ेगा ना? आप सजाने वाले जिन्स को रख के उधर छोड़ाएगा, आप घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ेगा, पड़ना छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम जितना आया है, हमें विश्व में जितना भी सजाए, मगर किसी सजाने से विश्व नहीं है। अच्छा। विश्व पहले सजा होकर रहा है, हम कुछ बनाते हैं अपना कामना के लिए, अपना इच्छा के लिए, तो थोड़ी होता बिगाड़ते, बिगाड़ने का काम हम करते, काम करते हैं ना। चलो इसीलिए हमको कब जाना है, कभी छोड़ना है, वो मालिक कोई हमको बताएगा तुमको इतना दिन में हम ले जाएगा, तुम छोड़ो, वो ऑर्डर मात्र, वो इच्छा मात्र कर, एकदम से होगा। इसीलिए आप देखो ना, पहले भी हम बताया है ना, कर्कट कर्कट होता है, ऐसे भी जो कर्कट रोग होता है, डिजीज आता है आदमी को, उसका शक्ल चेंज नहीं होता, ऑपरेशन में उसका विकृत नहीं हो जाता, केमोथेरेपी करते हैं, जो केमोथेरेपी करता है उसका केस नहीं उपड़ता, उसका मुखमंडल काला नहीं बन जाता, साइड इफेक्ट बहुत सारे बहुत सारे, फिर तो क्या है, वो कर्कटी मर्कट का एक छोटा सा नमूना है। आदमी को कोई कर्कट रोग आएगा उसका शक्ल भी मस्ट भी चेंज होगा, 100% साइंटिस्ट भी बताते हैं। अभी एलोपैथी का अगर हम बात करेंगे, कोई प्रॉपर मेडिसिन अभी तक निकला नहीं है, ओनली फॉर देता है, ओनली फॉर लाइट, ओनली फॉर केमो, केमोथेरेपी, राइट, इट इज नॉट, सही बात है। चलो इस जब बढ़ जाएगा, जैसे कोरोना फोर्थ फॉर्म बढ़ गया है साइंटिस्ट बताता है, ऐसा कोई भी सीजन आ जाएगा, कोई वर्ष आ जाएगा, कोई डिजीज प्रकाश हो जाएगा, तो कर्कट जब बढ़ ही जाएगा उसका रूप हो जाएगा। ये आपको कब पता चला? ये हो गया मेरे को 7 साल अंदर पीछे, 7 साल पहले, 7 साल, 7 साल पहले। अच्छा, तो फिर मैं एक दिन ध्यान में था, मेरा हवन कुंड का पास, तो हम ध्यान करते जप करते, भक्त कोई नहीं था, अकेला था, बारिश हुआ था, ऐसा लोया में हम बैठ गया है, तो इसी में बोला कि बच्चा ऐसा आएगा, 2015-16 तब की बात है, आएगा। अच्छा, तो मतलब आपको, देखो जी, आप विश्वास करे या ना करे, जब माँ हिंगुला का बात सत्य हुआ है, मेरा प्रभु जी, मेरे माँ जी ने कहा इस आश्रम में वो सत्य हुआ है, तले मेरा प्रभु जी ने बोला वो सत्य होगा। जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि जो बाबा जी ने अभी प्रसंग उठाए हैं माता हिंगुला जी की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा माता जी का पीठ है, उसका नाम है माता हिंगुला की पीठ। तो पिछले एपिसोड में बाबा जी ने बताए थे, लगभग आज से 1 महीने पहले, तो बाबा जी ने ये बताए थे कि सत्य बाबू आप ये नोट कीजिए, डेट तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में, कुछ ही दिनों के अंदर माता हिंगुला के पीठ में कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ नकारात्मक संकेत मिलेगा। तो हमने देख लिया, चलो ठीक है, हमें तो पता नहीं है, जब होगा तो शायद पता चलेगा। लेकिन अब ये 2-3 दिन पहले की बात है, वहाँ से खबर मिली है कि उस प्रांगण में एक जो था दिव्य नीम का पेड़ अग्नि संजग हुआ। तो इसके बाद भी और भी बहुत सारी घटनाएं हुई, वो हम मीडिया के सामने बता नहीं पाएंगे, लेकिन बाबा जी ने उस मीडिया में बताए थे और ये सत्य में रूपांतरित हुआ। तो बाबा जी एक बात और है, ये एक्चुअली जो मार्केट करकट के बारे में आप बोल रहे हैं, ओडिया में क्या लिखा है वो पद आपको थोड़ा अगर याद है तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बोल के सुना दीजिए, फिर हिंदी में हम उसका ट्रांसलेशन बताएंगे, क्या लिखा था वो?
कर्कट के बाद में क्या लिखा है, कौन सा क्या नहीं, हाँ उड़िया में क्या लिखा है जो उसको पोथी है उसमें क्या लिखा था, समय जते बेले होई जीवाती पुत्र सुनबा तुही जन समाज रे रोळ चालू थिबा बेळ नथिबटी तई मनीष मांस को मनीष खाइबे होई बटी एक तागी कहिली ठार रे बुझिबु रे पुत्र समय खोजी पाइले सही समय रे महाशून्य वाणी गर्जन सुभिव जई आसी जीवे बहु चामुंडा जे शक्ति खाइबे रक्त को तई अंधकार थिबो ए महा पृथ्वी सूर्य न दिसिबे केबे सप्त दिन सप्त रात्र बीती जीव प्रभु न आसिबे केबे सही समय रे खेलटी वइबो जानी था मन तुई कहिली गुपते ठार रे बुझाई अंक बुझाइबु तई मीन शनि जेबे जोग होइजिबे खेल हेब से समय काल वैशाखी ध्रुमिक भूमिकम्प बा वज्रपात हेब तेबे ज्ञान हजिजीव जन समाजर न मानिबे कार कथा सान बड़ बा न मानि न पुणी आंगुठी करिबे कथा जगत हलिब जगत बुड़ब जगत टीनाश जीव ভাগবত কথা সত্য হইতিব ঠাররে কইলি সত্য মু সেটি প্রশ্ন করিলি প্রভু ভাগবতের কোন আপন লেখিলে না অল্পে জনে যে হইবে খলবল তহি নাসিবে ভুবন মন তল এণু অল্পায়ুষ সকলে নাসিবে কেহি ন রহিব তল ভাগবতর অছি জনে হইবে খলবল নাসিবে ভুবন মন্ডল এণু হইবে অল্পায়ুষ পাপে সকলে যিবে নাশ তেমন সত্যমঞ্জ বাবু ইয়ে তো অশান্তির কথা অনেক অনেক কথা জন্ম জন্মান্তরের কথা হিন্দি মে বাবাজি হিন্দি মে হ্যাঁ ও তো বাত হ্যাঁ কি জন্ম জন্মান্তর মে কা বাত হ্যাঁ কই সাধু কিস রূপ মে আতা হ্যাঁ কিস রূপ মে বড়তা হ্যাঁ কিস রূপ মে চল জাতা হ্যাঁ কই কিসি কো ভি পতা নাই এক পতা পরম ব্রহ্ম কো কই ভি মা কি ভক্ত হো বাবা কি ভক্ত হো নারায়ণ কি ভক্ত হো গণপতি জি দেবতা কো জো ইচ্ছা করতে হো ভক্ত হোতা হ্যাঁ উসি সময় মে হাম এক বার্তা দেতে হুম বিশ্ব কো ভারতবর্ষ কো আপনে সব কুছ আচ্ছা গুরু চুজ কে উসকা শরণাঙ্গত হই যাও গুরু কা আশীর্বাদ লেনে সে আপকো জো দণ্ড মিলনে সে ও থোড়া কম হো জায়েগা ও হামারা সারা সনাতন ধর্ম কো নিবেদন হে সন্ত সমস্ত সন্ত সাধু মানকো মোর নিবেদন হে সর্ব ভক্ত মানকো নিবেদন হে জি বিলকুল 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 বাবাজি অন্ত মে বস একই রিকোয়েস্ট হে আমার দর্শক জানা চাহতে হে কি ইয়ে জো আপনে বতায়ে বতায়ে হে জো মহামারী জো আয়েগা মার্কেট কর্কট উসকা কুছ নিদান ভি হে নিদান হে ক্যা হে উসকো কুছ মেডিসিন মন্ত্র হে कुछ मेडिसिन नहीं है उस टाइम में तो कुछ मेडिसिन काम नहीं करेगा सत्यवंश अच्छा अच्छा हालात ऐसा ही कुछ होगा आप देखिए ना करोना का तो कोई कोई मेडिसिन काम करे तो करोना कहाँ से विनाश हो गया नहीं फिर भी है जो ईश्वर की प्रतिपद्य महामारी है उसी का कोई मेडिसिन थोड़ा सा उसको दबाने के लिए होगा उसको अच्छा करने के लिए नहीं अभी तो आप बोलते थे ना जो कर्कट रोग का कोई मेडिसिन अभी तक भी निकला नहीं है वो एक महामारी है वो महामारी जब छुप गया सिर्फ कोरोना का भय में छुप गया कर्कट रोग सबसे बड़ा महामारी था उसी का डेवलपमेंट जो होगा उसी का डिजीज का भूताणु का जो डेवलपमेंट होगा वायरस का उसी का नाम बोला जाएगा मर्कटी कर्कट अच्छा अच्छा अच्छा